हम लोग इससे इसको बड़ी जल्दी नहीं शादी हम चाह रहे हैं कि आज बचपन में कर सिर्फ ये स्टूडेंट्स नहीं है आज हम भी आपके पास डबल एक्सपीरियंस ऑनेस्टली मैं अभी सिर्फ आपने ये बताना है कि जब आप इनके शूज में थी आपका क्या हाल था पहले मैं बहुत खुश थी अच्छा फिर टाइम गुजरा और शादी का टाइम करीब आया उस वक्त आई क्रीप्ड आउट नर्वसनेस आई वाज लाइक ये मैं क्या कर रही हूं बिकॉज़ आई वाज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड ठीक है और पसंद की शादी यहां के जब इनवाइट आया था तो मैंने लगा नहीं मजाक है मतलब अभी क्या मतलब अभी फर्स्ट अप्रैल हो गई माशाल्लाह तुम्हारी मतलब आई थिंक नापा की पहली शादी थी हमारी लाइक स्टूडेंट्स में तो पहली शादी मैंने मिस की थी हां यू वर नॉट देयर राइट मैंने आज ने गोद में उठाया था तो सारी ड्रीम्स जो थी ना फैंटेसीज वही पूरी हो गई थी ना कि वो दूल्हा ने दुल्हन को गोद में उठाया मैं कैसे साकिब तो नहीं उठा पाएगा इसको देख के माशाल्लाह शादी के दिन नजदीक आए तो तुम्हारी नर्वसनेस मैं बहुत नर्वस नेचुरल थी जैसे बिकॉज यू नो आप सिर्फ मियां नहीं आ रहा होता आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं अलॉट ऑफ रिश्ता यू नो अलॉट ऑफ रिश्ता साउंडेड सो बैड लेकिन बहुत सारे रिश्ते आ रहे होते हैं तो मियां को संभालना आई थिंक बड़ा आसान काम है लेकिन जो बाकी रिश्ते हैं ना वो हैंडल करना है अच्छा और जब आपकी लव मैरिज भी हो रही थी तो मियां का तो आपको पता होता है ना कि हाँ भाई सारों की आंखें यूं होती हैं आपके ऊपर कि यू नो हाउ शी इज गोइंग टू हैंडल और आपने बड़ा अपने आप को प्रूव करना होता है कि नहीं यार ही मेड अ राइट चॉइस यू नो लव मैरिज में तो ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है बहुत स्ट्रिक्टनेस भी होती है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि होगी अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड नॉट गो थ्रू वो जो टफ टाइम होता है वो मेरे कभी सास भी बहू वाले काम नहीं नहीं नॉट एट ऑल लेकिन आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड यू नो जो तुम वेल प्रिपेयर्ड थी उसमें तुम्हारी हेल्प किसने की तुम्हें किसने मास्टर क्लास दी अम्मी अम्मी हाँ अम्मी एंड इवन माय मदर इन लॉ फॉर दैट मैटर क्योंकि मेरी एंगेजमेंट जो है व्हेन आई वाज अराउंड 15ish तो आई वाज एंगेज्ड टू मिन्हाज ओके या आई वाज एंगेज्ड माशाल्लाह माशाल्लाह सो चाइल्ड मैरिज हमने नापा में तो माशाल्लाह इन दोनों को फलते फूलते बढ़ते नापा तो मैं आई मिन्हाज के पीछे थी कि पार्टी करेंगे मजा आएगा आई वाज एंगेज्ड टू सच नाइस एनर्जी है सो मतलब तो मेरी सास से भी मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी मतलब मैं हर रोज कॉल पे बात करना सो लाइक तुम्हारी मास्टर क्लास तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी सास ने की किस तरह चलना है क्या करना है यू नो पहला जो उनका जैसे मेरी सास ने जो सिखाया था कि कभी भी मुझसे कोई प्रॉब्लम हो तो मिन्हाज के पास ना जाना स्ट्रेट आप कम टू मी एंड यू नो टेल मी कि अम्मा ये गलत है और ये सही है यू नो लेट्स हैंडल इट लाइक दैट तो हमारे यहाँ लड़ाइयाँ जो है ना वो जो मेरी और मिन्हाज की थी वो हमेशा कमरे में रही जो मेरी और मेरी सास के डिसएग्रीमेंट्स थी वो हम बैठ के कमरे में रही एग्जैक्टली तो इट वाज नेवर लाइक वो झाँव झाँव वाली सिचुएशन हमारे घर में नहीं हुई कभी अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड